दोस्तों बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आप बिहार बीएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिलअप किए हैं और अभी तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है तो एग्जाम कब से होने की संभावना है, एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड जो आता है वो कब तक आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीज का ख्याल रखना है, कितने समय पहले आप लोगों को एग्जाम सेंटर में पहुंचना है, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट जारी करने के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कब से शुरू कर दी जाएगी, इस वीडियो में सभी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो जो जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा वो आज के विज्ञप्ति के हिसाब से दूंगा, जो LMU के जो कुलपति है उन्होंने जो सूचना दी है उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों इस विज्ञप्ति को देख सकते हैं, ये प्रभात खबर की है, इसमें जो इसका हेडिंग है आप लोग देख सकते हैं, दो ग्रुपों में होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा, आप लोग देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट जो है वो दो ग्रुप में होगी और दो ग्रुप जो रहेंगे उसमें कितने बजे से कितने बजे तक पहला ग्रुप देंगे और कितने बजे से कितने बजे तक का एग्जाम जो है वो दूसरे वाले ग्रुप देंगे। तो आपको बता दें कि आप लोगों को यहाँ पे जो मुख्य मेन पॉइंट है आप देख सकते हैं कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को जो है एंट्रेंस टेस्ट के 7 दिन या 10 दिन पहले आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। आपको बता दें कि आप लोगों का जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका जो रिजल्ट है वो भी 7 दिन के अंदर आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका रिजल्ट आप लोगों को दे दिया जाएगा। इस बार के जो नोडल यूनिवर्सिटी है वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, तो उसी के हिसाब से इन्होंने बताया है प्रोफेसर राजेश सिंह ने कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा और दो ग्रुपों में एग्जाम्स होंगे, जिसमें आपको बता दूं कि इस बार जो एंट्रेंस टेस्ट मतलब बीएड में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिलअप किया गया छात्रों की संख्या है वो 1,30,000 है, 1,30,000 है, तो इसमें से दो ग्रुप में अगर होंगे तो 65,000 जो है वो दो ग्रुप में बांटेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते समय अगर एक ग्रुप में अगर हम एग्जाम लेते हैं तो इतना सेंटर भी नहीं मुमकिन हो पाएगा, तो उसी सेंटर पे है जो है दो ग्रुप में एग्जाम लिया जाए। तो पहले ग्रुप में उन्होंने बताया है, आपको मैं बता देता हूं कि पहले ग्रुप में वो कितने बजे से कितने बजे तक लेने की बात कही है और दूसरे ग्रुप में कितने बजे से कितने बजे तक लेने की बात कही है। तो दोस्तों आप लोगों को इस विज्ञप्ति को सही से देखना है, क्योंकि इसमें जो है दो ग्रुप में जो एग्जाम लेंगे वो पहला एग्जाम जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले ग्रुप के जो एग्जाम होंगे वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होंगे, ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे पहला ग्रुप जो आप लोग समझ गए हैं ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो पहला ग्रुप है वो सुबह 10 बजे से और दूसरा ग्रुप जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोपहर 2 बजे से, तो 2 घंटा का एंट्रेंस टेस्ट होता है, 2 घंटा का एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 120 क्वेश्चन को आप लोगों को 2 घंटा में पूरा करना है। तो आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों का जो पहले ग्रुप का एग्जाम होगा वो 10 बजे से 12 बजे तक होगा, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी दे दिया जाएगा, दूसरे ग्रुप का जो एग्जाम होगा वो 2 बजे से लेकर के और 4 बजे तक होंगे, इसमें जो है आप लोगों को 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पास मार्क जो है आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही दिए जाते हैं, रिजल्ट जो है आप लोगों का आप तो पता ही चल गया कि रिजल्ट जो है आप लोगों को 7 दिन के अंदर ही दे दी जाएंगी। तो आप लोगों को ये जानकारी मैं देने के लिए आया था कि आप लोगों का एक चीज एग्जाम्स कब होंगे, तो देखिए एग्जाम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो 19 जुलाई से लेने की संभावना है, 19 जुलाई को ही आप लोगों का एग्जाम जो है वो होंगे, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है और प्रयास करिएगा कि या तो गवर्नमेंट कॉलेज ले या कंसिस्टेंट कॉलेज ले, दोनों कॉलेज अगर आप अच्छा मार्क लाते हैं तो कंसिस्टेंट कॉलेज भी मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, नहीं तो कम मार्क में तो प्राइवेट कॉलेज है ही आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।